दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सैन्य शक्ति के रूप में भारत अब पाकिस्तान और चीन के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी चुनौती बन गया है। भारतीय सेना की लगातार ताकत बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान और चीन ही परेशान नहीं है बल्कि अमेरिका भी हैरान है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में सेना को सर्वाधिक ताकतवर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सरकार लगातार भारतीय सेना को हथियारों और आधुनिक तकनीकों से लैस करते जा रही है। यही वजह है कि जो हिंदुस्तान पहले युद्धक हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था, अब वही हिंदुस्तान 75 से अधिक देशों में सामरिक हथियारों और फाइटर जेट की बिक्री कर रहा है। इससे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए भारत की ताकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। क्विक एक्शन आर्मी के रूप में बनाई गई पहचान, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सामने क्विक एक्शन आर्मी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। पहले जहां देश की सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक हथियारों और गोला बारूद की कमी से जूझना पड़ता था, अब सीन बदल चुका है। देश की सेना बुलेट प्रूफ जैकेटों, हथियारों, फाइटर जेटों, सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइलों, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इत्यादि से पूरी तरह लैस हो चुकी है। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करने में भी भारतीय सेना को महारत हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान में 2 बार सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक, श्रीलंका की मदद के लिए आतंकियों के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक, गलवान और तवांग में चीन की चित कर बॉर्डर से दूर खदेड़ने वाली घटनाएं क्विक एक्शन आर्मी का प्रमाण बन चुकी है। यही वजह है कि दुश्मन पाकिस्तान और चीन भारतीय सेना के बुलंद हौसलों से थर्राने लगे हैं। आपको बता दें कि भारत अमेरिका रूस और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सेना है। इस रिपोर्ट से और बारीकी से समझते हैं कि कैसे भारत मेक फॉर वर्ल्ड की ओर अपनी राह बना रहा है। काबिले तारीफ है भारत का रक्षा बजट। मोदी सरकार ने सेना को ताकत देने के लिए देश के रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। साल 2014 में भारत का रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 5.25 लाख करोड़ हो चुका है। फरवरी 2023 के बजट में इसके 6 लाख करोड़ रुपए के भी पार पहुंचने की संभावना है। मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड का सफर, ये मोदी के मेक इन इंडिया का सपना साकार करते हुए देश ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल की है। अब भारत न सिर्फ अपने लिए रक्षा के उपकरण और अत्याधुनिक हथियार बना रहा है बल्कि दूसरे देशों को इसे निर्यात करने में भी सक्षम हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत अब करीब 75 देशों को युद्धक सामग्री और फाइटर जेट की बिक्री कर रहा है। भारत के आधुनिक फाइटर जेट तेजस को खरीदने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और मिस्र जैसे देशों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। इसे देश को विदेशी मुद्रा की अच्छी आय हो रही है। कुल रक्षा बजट का 60% धन केवल मेक इन इंडिया के लिए ही रखा गया है ताकि स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल सके। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि देश अब मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की राह बना चुका है। INS विक्रांत, राफेल और तेजस बने दुश्मन की तबाही का सबब। साल 2022 में भारतीय सेना के बेड़े में एक से एक ताकतवर युद्धक विमान, युद्धपोत और घातक हथियार शामिल हुए हैं। इसमें नौसेना के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का नाम सबसे पहले है, जो दुश्मन को तबाह करने के लिए काफी है। INS विक्रांत की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस पर 30 से अधिक लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। 32 मिसाइलें तैनात हैं। कई अन्य फाइटर हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की गई है। गैस टर्बाइन और अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी मौजूद है। इसके अलावा बीते वर्ष ही INS विक्रमादित्य, युद्धपोत और कई परमाणु पनडुब्बियां भी भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी थी। वहीं फ्रांस से आयातित राफेल फाइटर जेट वायुसेना की बड़ी ताकत बन चुका है। ये दुनिया के खतरनाक जेटों में शामिल है। इसके अलावा स्वदेशी तेजस फाइटर जेट भी दुनिया को चुनौती देने के लिए सेना का हिस्सा बन चुका है। हेलिना हॉविट्जर से थरथर कांपते हैं दुश्मन। भारतीय सेना और वायुसेना की ही तरह थल सेना को भी बुलेट प्रूफ जैकेटों से लेकर आधुनिक मिसाइलों, बख्तरबंद वाहनों, तोपों, टैंकों और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस किया गया है। हाल ही में DRDO से निर्मित हेलिना एंटी टैंक मिसाइल दुनिया की खतरनाक मिसाइलों में शुमार हो चुकी है, जिसे दागो और भूल जाओ की संज्ञा दी गई है। नाम से ही साफ है कि इसे दागने के बाद आपको ये नहीं सोचना कि दुश्मन तबाह हुआ या नहीं, यानी दुश्मन कितने भी बिहड़ और दुर्गम क्षेत्र में क्यों न छुपा हो, ये उसे ढूंढ कर मारता है। हाल ही में इसे चीन सीमा पर तैनात किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के पास M777 हॉविट्जर तोप भी भारतीय थल सेना की ताकत बढ़ा रही है। इसके अलावा बहुत से अत्याधुनिक और खतरनाक गाइडेड मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों, टैंकों, गाइडेड
रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, ड्रोन इत्यादि से थल सेना को लैस किया गया है। बॉर्डर पर बिछाया गया सड़कों और पुलों का जाल। भारतीय सेना को दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए पाकिस्तान और चीन सीमा पर भारत की सरकार ने सड़कों, पुलों, बंकरों, रेल नेटवर्क, लैंडिंग साइटों का जाल बिछा दिया है, ताकि दुश्मन पर क्विक एक्शन के लिए सेना हर वक्त तैयार रहे। मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान चीन से लगी सीमा पर 4000 किलोमीटर तक सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया है, ताकि दुर्गम परिस्थितियों में सैनिक कहीं भी पहुंचकर दुश्मनों का खात्मा कर सके। हाल ही में 40,000 करोड़ की परियोजना फ्रंटियर हाईवे को भी मंजूरी दी गई है, जो LAC पर बिल्कुल मैकमोहन रेखा से होकर गुजर रही है। भारत के इस रोड प्रोजेक्ट ने चीन को चिंता में डाल दिया है। ये हाईवे अरुणाचल से तिब्बत तक जाएगा। साल 2026 में इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह पाकिस्तान की सीमा पर भी सड़कों, पुलों और बंकरों और सैनिक शेल्टरों का नेटवर्क बढ़ा दिया गया है। सेना को मिला डिफेंस कॉरिडोर और नेशनल वॉर मेमोरियल का तोहफा। इंडिया गेट पर बनाया गया नेशनल वॉर मेमोरियल देश के जवानों का हौसला बढ़ा रहा है। अब तक देश के लिए शहीद हुए हजारों जवानों के लिए ये वॉर मेमोरियल सच्ची श्रद्धांजलि है। यहाँ आने के बाद सिर्फ शहीदों के परिवारों को ही नहीं बल्कि हर एक भारतीय को गर्व महसूस होता है। वहीं सेना के लिए युद्धक उपकरणों को देश में निर्मित करने के लिए यूपी में पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर बनाकर देश के रक्षा इतिहास में एक नई इबारत रच डाली है, जो सेना को हर वक्त मजबूती देता रहेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी स्टाफ यानी CDS का पद बनाकर सेना की ताकत को अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। CDS तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, यानी किसी दुश्मन देश की हरकतों का जवाब देने के लिए अब सेना को सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। CDS ही किसी भी देश पर जवाबी हमले का आदेश दे सकते हैं। सेना में महिलाओं के लिए भी सरकार ने पूरी तरह से रास्ते खोल दिए हैं।